शो के लिए अभी जा रहे हैं। भाई कुछ श्रीडी सफारी जैसा कुछ है ना? ना चालू नहीं चला। सर अपने नाम जाना तो सर। हेलो सर अपने नाम सर? वीरेंद्र। वीरेंद्र भाई ओके। अरे सर आप लोग? जिग्नेश भाई शाह। जिग्नेश भाई शाह ओके। तो अभी हम सफारी देखने आए पत्ता सफारी और साथ में वीरेंद्र भाई और जिग्नेश भाई सफरी मुंबई से आए देखने के लिए। तो यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं सफारी शुरू होने का। पता नहीं अब कैसा है क्या नहीं आपको दिखाना होगा। मुझे लगता है कि थ्री जैसा लग रहा है कि चालू होगा फिर पता चलेगा एक्चुअली क्या है क्या नहीं। ठीक है गाइस चालू हो गया उसके बाद दिखाता हूँ। ओके यहाँ पे जैसा ट्रेन जैसा डोम बनाया हुआ है और बाजू में ऐसे विंडोज जैसे बना के और रेल्स चला दिए। ऐसा लग रहा है कि हम ट्रेन में बैठे हैं।
ओके गाइज, ये 15-20 मिनट का है ये शो, और ये देखिए थैंक यू सर, आपको आपसे मिलकर अच्छा लगा, बातें करके अच्छा लगा। ओके थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आपको भी, आपको मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओके आंटी, थैंक यू, थैंक यू। चलो अभी हम बाहर निकले, यहाँ पे एक दो सब्सक्राइबर मिल गए मुझे। एग्जिट कर रहे हैं अभी। अच्छा, ये एग्जीबिशन जैसा बनाया है, नेपाल जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजा संघ। यहाँ पे एक दूसरा शो है, हम पीछे चले जाए। स्वागत है, उम्मीद करते हैं कि गिरनार से देवला तक की आपकी सफारी राइड आनंदमय रही होगी। इस यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य में बसी भारतीय संस्कृति, संत और पशु पक्षियों ने आपको जरूर मंत्रमुग्ध किया होगा। आइए रत्न वर्ल्ड में प्रवेश करें। अरे रुकी रुकी रुकी, हम भी आ रहे हैं। अरे जल्दी चलो दीपू। अरे आया से बच्चों। अच्छा ये बताइए कि क्या आप दोनों भी इन सबके साथ सफारी राइड पर थे? जी। अच्छा वैसे ये रत्न वर्ल्ड क्या है? यहाँ अंदर क्या है? हमें भी बताइए ना प्लीज। अच्छा अच्छा, चलो हम रत्न वर्ल्ड में प्रवेश करें और साथ मिलकर आप दोनों के सवालों के जवाब ढूंढते हैं। चलिए कितनों के सवालों, दुविधाओं, परेशानियों और रुकावटों के समाधान है। सरल, सुखद एवं आध्यात्मिक जीवन जीने के विचार हैं। पर ये सब लिखी किसने? ये उन्हीं ने लिखी है जिनके सम्मान में आयोजित महोत्सव से तुम लोग इतना सब कुछ देखकर और सीखकर आए हो। पूरी 399 किताबें हैं और ये महोत्सव उन्हीं की लिखी 400 किताब के लोकार्पण का महोत्सव है। वाव, कौन है ये? बताइए ना, हम इनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। ये है पद्म भूषण से सम्मानित राज प्रतिबोधक सरस्वती नंदन परम पूज्य आचार्य विजय रत्न सुंदर सूरी जी महाराज। कई साल पहले सन 1948 में गुजरात के देवला गांव में माँ चंपा बहन
और पिता दलचंद भाई के घर से मां एक पराक्रमी बालक बाल उम्र में ही उन्होंने अपनी मां को खो दिया और अल्पायु में ही वे पिताजी और परिवार के साथ देवरा से बाहर बया गया। जीवन जीने का सलीका और सारे संस्कार उन्हें अपने बाबा से ही मिले। उनके बाबा का मानना था कि इंसान को पूर्ण रूप से विकसित होना आवश्यक है, फिर चाहे वो चरित्र का निर्माण हो या आध्यात्मिक वृद्धि या सामाजिक व्यवहार। उन्हें सुबह जल्दी उठकर प्रभु की पूजा किए बिना पानी तक पीने की अनुमति नहीं थी। रात को 9:30 बजे के बाद घर से बाहर जब उन्होंने अपने पिता की अनुमति से माउंट आबू में आचार्य श्री भुवन भानुसुरी महाराज साहिब जी की युवा शिविर में हिस्से आस्तिक से धार्मिक और धार्मिक से आध्यात्मिक बन जाता है। कोरोना के समय लोगों की समस्याओं का हल निकालते हुए गुरुदेव ने ऑनलाइन प्रवचन के माध्यम से 40 करोड़ की रकम इकट्ठा की और इस रकम को सीधा अलर्ट यंग ग्रुप ऑफ इंडिया और कुमार पाल भाई वी शाह के माध्यम से कई जरूरतमंद लोगों के खातों में ट्रांसफर कर उनके जीवन को उजागर किया। अपने समाज के लिए उन्होंने साधार्मिक फाउंडेशन की स्थापना करवाई। गुरुदेव ने पूज्य आचार्य हेमरत्न सूरी के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की और उनके अनुरोध पर केवल 3 मिनटों में इंदिरा गांधी ने कबूतर मांस निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। सोचो, अगर गुरुदेव के प्रयास से ये प्रतिबंध न लगा होता तो आज शायद हमें खिड़कियों के बाहर छतों गली गलियारों में कबूतर दिखते ही नहीं। गुरुदेव ने हमेशा समाज के हित में और समाज के उद्धार के लिए कार्य किए हैं, फिर चाहे वो बच्चों के संस्कार बचाने हेतु सेक्स एजुकेशन का विरोध हो या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट पर लगे 30% टैक्स को रद्द करवाना, प्लानिंग कमीशन को अपने विचारों से प्रभावित करना हो या फिर लोगों की आस्था और विश्वास को समझते हुए बच्चों के मिड डे मील्स में अंडे खिलाने पर रोक लगवाना हो। एक बात बताओ, अगर हम एक सुंदर सा पर बहुत ही सरल सा चित्र बनाते हैं तो तुरंत हम क्या करते हैं? नीचे अपना नाम लिख देते हैं ना? तो चाले से हम छोटा सा भी काम क्यों ना करें, उसे अपना नाम देना नहीं भूलते। प्रशंसा प्राप्त करने का एक भी मौका हम छोड़ते हैं नहीं ना? पर गुरुदेव ने कभी ऐसा नहीं किया। अहमदाबाद के कई उपाश्रय ऐसी अवस्था में थे कि वहां रहना कठिन ही नहीं बल्कि खतरनाक भी था। किसी की दीवारें कमजोर हो गई थी तो किसी की छत। इस परेशानी को समझते हुए गुरुदेव ने 70 उपाश्रय की मरम्मत करवाई और उन्हें रहने लायक बनवाया। इन 70 उपाश्रयों के जीर्णोद्धार में कहीं भी उन्होंने अपने नाम का शिलालेख नहीं किया ना ही करने दिया। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव।
बेसिकली मैं ये रत्न यूनिवर्स में जाके आया, उसमें 8 डॉम है और 3-3 मिनट के वो बनाए हुए कुछ के क्या है जीवन के अंदर क्या है और अच्छी अच्छी बातें बताई गई है उसके अंदर। तो टोटल 8 डोम हो गए, उसमें हर एक डोम में 3-3 या 4-4 मिनट का बनाया हुआ है शो। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई, 25 या 30 मिनट तो लगेगा। अगर आप अंदर जाओगे तो यार 25 या 30 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। ये देखिए लाइन तो बहुत बड़ी होगी। अगर आपको आना है तो जल्दी आ जाना, और 5 बजे बारिश शुरू होता है तो फिर वो दिमाग में रख के आना, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी आ गया था तब चालू नहीं हुआ था। और ये सामने गिरनार की प्रतिमा बनाई हुई है, लेकिन अभी कल मोदी जी आने वाले, इसलिए इन लोगों ने आज से ही सिक्योरिटी रीजन की वजह से बंद कर दिया है। तो वो बाहर से ही देखना पड़ेगा, ऊपर नहीं जा सकते, कुछ प्रोटोकॉल है उनका, इसलिए उन लोगों ने आज ब्लॉक कर दिया ये पूरा। देखिए भाई कितना मस्त दिख रहा है। रात को तो लाइटिंग में बहुत ही अच्छा दिख रहा है भाई, ऐसा लग रहा है सोने का। वाओ बहुत ही अच्छा सही दिख रहा है। बोला था ना अगर लाइटिंग शुरू होगी तब ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी रात हो गई है और ये लाइटिंग में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं पेड़। एक्चुअली ये जो रखा हुआ है वो मुनि जी की किताबें हैं, उनके फ्रंट पेज रखे हुए, उन्होंने जो भी किताबें लिखी है उनके फ्रंट पेज यहाँ पे रखे हुए। और ये सामने गिरना आ रहा है, ओके गाइस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। अलबेला अहमदाबादी। ओके गाइस बाय बाय।